आप माशाल्लाह इसकी बुकिंग करवाई है तो 2 लाख से उन्होंने आपकी बुकिंग कर ली है। 2 लाख से बुकिंग कर दी, बल्कि 2 लाख मैं नहीं कहूंगा जी, आया था उस समय मेरे जेब में 2 लाख थे ही नहीं, सही जेब में से 5,000 थे माशाल्लाह। आप 5 जमा करवा दें, स्टाम्प ले लेते हैं तो अगले दिन आप आ जाए। अच्छा, 5,000 रुपए आप बुकिंग करवा के चले गए थे। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, पाक धरती की तरफ से आपका होस्ट मोहम्मद जान साहब आपकी खिदमत में हाजिर है। तो काफ़ी भाई कह रहे थे कि इस घर का जो ओनर है कि माशाल्लाह बड़ा प्यारा घर, खूबसूरत घर बना रहा है, तो उससे या उसका कस्टमर व्यू हमें लेके बताएं। तो इस वक्त मैं उसी घर में मौजूद हूँ। माशाल्लाह ये वो हमारा जो बड़ा घर बना के देते हैं, ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं। ओनर साहब भी मौके पर मौजूद है, तो उनसे भी आज बात करते हैं, जानते हैं कि कंपनी ने आपके साथ कैसा रवैया यूज किया और कंपनी ने जो मटेरियल लगाया वो कैसा है। तो इस सिलसिले में आज इंशाल्लाह बात करते हैं। माशाल्लाह वो अपना एक्स्ट्रा काम काफ़ी ज़्यादा करवा रहे हैं, ये पत्थर टाइल का काम भी माशाल्लाह वो करवा रहे हैं, तो चलें इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी हमारे कस्टमर जो है ना, जो उन्होंने इधर घर बुक करवाए वो काफ़ी कह रहे थे कि माशाल्लाह ये जो खूबसूरत घर एक भाई बना रहे हैं तो उसके बारे में बताएं। तो सर आपने किस तरह इस सोसाइटी में आए, किस तरह विजिट किया और ये घर किस तरह बुक करवाया, हमारे व्यूअर्स को ये तमाम इंफॉर्मेशन आपने देनी है। तमाम दोस्तों का शुक्रिया पूछ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के हाजी साहब और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं कि आपकी मुशावरत से और आपकी तवज्जो से जी जी। मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। माशाल्लाह मैं यहाँ घर लेने के लिए नहीं आया था, एक दोस्त ने फेसबुक पे या यूट्यूब पे देखा था तो उसने कहा कि जो देख आती हैं उनको मैं दिखाने के लिए आया था। जब मैं यहाँ आया तो मुझे अच्छा लगा माशाल्लाह, और मैंने फिर ख़ुद बुक करवा लिया। जब खुद बुक करवाया तो फिर मैं अपने फैमिली को दिखाया कि जी इन फ्यूचर यहाँ ये कुछ हो सकता है, तो तमाम के तमाम लोग उन्होंने अग्री किया, तो फिर हमने यहाँ घर बुक करवाया। फिर दूसरी बात ये हुई कि जी एक कमरे हम गुजारा कैसे करेंगे, सही। फिर अगेन मैंने रिक्वेस्ट की हाजी साहब से कि जितनी बड़ी फैमिली है, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, कॉलेज जाने वाले हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करके दें। सही सही माशाल्लाह, मामला तय हो गए तो काम शुरू कर दिया। तो माशाल्लाह आज तकरीबन अच्छा सर, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। माशाल्लाह तकरीबन आपको 2-3 माह हो गए इस घर को बुक करवाए, तो आप माशाल्लाह इनमें आते रहे हैं, सोसाइटी ने कैसा मटेरियल यूज किया है और सोसाइटी में जो के काम हो रहे थे तो आपने क्या पाया सोसाइटी को? जी एक तो मैं मुसलसल यहाँ आता रहा हूँ, वीक में 1-2 रोज लाजमी टाइम देता रहा हूँ और मटेरियल भी देखता रहा हूँ मैं, और ठेकेदारों से मिलता रहा हूँ, और तमाम जो यहाँ पे जितने भी लोग काम करने वाले हैं उनसे भी मुलाकात रही है। अल्हम्दुलिल्लाह के बेहतरीन मटेरियल लगा रहे हैं, सही, और उम्मीद है कि बाकी तमाम घरों को भी ऐसा ही लगा रहे होंगे यकीनन जी इंशाल्लाह। बहुत जल्दी जो ने सीलिंग काम शुरू किया, अब सुनने में ये आ रहा है कल तक इंशाल्लाह टाइल भी लग जाएगी जी। तो इंशाल्लाह हमें तसल्ली हो गई कि अगर नेक्स्ट मंथ हम यहाँ शिफ्ट होते हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सही सर, ये बात होगी। दूसरा सर, इसकी बुकिंग के सिलसिला में आप माशाल्लाह डायरेक्ट ऑफिस में आए हैं, ऑफिस का कैसा रवैया था और आपने कितने लाख दे के ये 5 महले के घर की बुकिंग करवाई? जी मैं ऑफिस में आया और मुलाकात हुई हाजी साहब से भी, और उस वक्त जो बुकिंग में से ली गई 2 लाख रुपए, और कहा गया कि बकाया इंशाल्लाह जब मुकम्मल हो जाएंगे उस वक्त देंगे। अच्छा मतलब के इस बड़े घर का माशाल्लाह 5 लाख हम ले रहे हैं एडवांस, तो आप माशाल्लाह इसकी बुकिंग करवाई है तो 2 लाख से उन्होंने आपकी बुकिंग कर ली है? 2 लाख से बुकिंग कर दी, बल्कि 2 लाख मैं नहीं कहूँगा जी, आया था उस समय मेरे जेब में 2 लाख थे ही नहीं, सही जेब में से 5,000 थे माशाल्लाह। आप 5 जमा करवा दें, स्टाम्प ले लेते हैं तो अगले दिन आप आ जाए। अच्छा 5,000 रुपये आप बुकिंग करवा के चले गए थे, अगले दिन आके मैंने बकाया पैसे उनको दिए, तो सारा प्रोसेस ये हो गया जी माशाल्लाह। तो वो भाई जो हमारे किराएदार हैं, एक बात पूछना चाहूंगा सर, बुरा ना मानिएगा, आप शहर लाहौर में कितने साल से और कितने साल से किराए के मकान पे थे? जी मैं कोई 20-22 साल से लाहौर में हूँ और शोभा तदरीस से मेरा ताल्लुक है, और 20-25 वहाँ किराए पे कर रहा हूँ, और जाहिर बात है हर इंसान को चाहिए स्पेशली बच्चों के एतमाद पैदा करने के लिए कि अपना घर होना चाहिए। सही, किराएदार और मालिक मकान 2 मुख्तलिफ अल्फाज हैं और दोनों के अंदर बहुत बड़ी जान है। इसी तरह किरायेदार कहलाता है, मालिक मकान कहलाता है, इसी तरह और बच्चों में जो एतमाद हुआ, घर में जो एतमाद हुआ, ये काबिल स्ताइश है, ये सारा क्रेडिट गोज़ हाजी साहब।
थैंक यू सर। अच्छा दूसरा जो हमारे भाई किराएदार हैं, देखें कि अब वही जो आप किराया देते थे आज इधर किस्त देंगे और 5 साल में आप अपने घर के मालिक बन चुकेंगे। मालिक तो माशाल्लाह आज भी हैं, जिस दिन से आपने बुकिंग करवाई है कह रहे हैं कि हम रोज आके इधर विजिट करते हैं, अपनी निगरानी में काम करवाते हैं। तो इसके अलावा वो भाई जो किराएदार हैं शहर लाहौर में कहीं भी हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी मेरा पैगाम मैसेज यही है कि जी सोसाइटी विजिट करें और यहाँ घर बुक करवाएं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और बहुत सारी अफवाहें मार्केट में गर्दिश कर रही होती हैं, आपको पहले रोज ही कब्जा मिल जाता है, आप अपनी निगरानी में काम करवाते हैं, फौरन शिफ्ट हो जाते हैं, तो फिर किसी किस्म का खर्चा नहीं रहता। मामलात होते हैं, होते रहते हैं, तो आप आए और यहाँ रहें, आप भी फायदा उठाएं और लोगों को भी ज्यादा, अपने बच्चों को बड़ा फायदा दें। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देख सकते हैं कि सर की निगरानी में काम हो रहा है, तो ये एक्स्ट्रा माशाल्लाह उन्होंने काम करवाया, फिर भी माशाल्लाह जो सोसाइटी बना के दे रही है वो भी बहुत पायदार है। बाकी मज़ीद उन्होंने फिनिशिंग का काम बहुत खूबसूरत और पायदार करवाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो अपडेट है आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू मुमताज़ साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया।